साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। अमावस्या पर लगने जा रहा यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों पर ग्रहण का कोई असर नहीं होगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा असर गर्भवती महिलाओं यानी प्रेग्नेंट महिलाओं को होता है। तो जान लें कि इस दौरान प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दरअसल 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम एशिया और दक्षिण पश्चिमी यूरोप में यह ग्रहण देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण की घटना तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जिन जगहों पर ग्रहण नहीं दिखता वहां इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा एक ही हैं, इसलिए इसका कुछ न कुछ प्रभाव पूरे वातावरण पर पड़ता ही है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का सबसे ज्यादा असर प्रेग्नेंट महिलाओं पर पड़ता है। तो जान लें इस दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ग्रहण में आमतौर पर सूतक लग जाता है। सूतक काल में कई सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, खासतौर से गर्भवती महिलाओं को। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने की मनाही होती है, इसके बारे में जानना भी जरूरी है। तो आपको बता दें, सूर्य ग्रहण के वक्त प्रेग्नेंट लेडीज घर से बाहर ना निकलें। इस दौरान खाना खाने और पकाने से बचें। सूर्य ग्रहण के दौरान ज्यादा एक्टिविटीज ना करें, बल्कि आराम करें। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान फल और सब्जियां भी नहीं काटना चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना अवॉइड करें, हाँ आराम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी जान लें, गर्भवती महिला हैं तो सूर्य ग्रहण के बाद आपको क्या करना है। सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद नहाने के पानी में गंगा जल मिला करना है। ग्रहण के दौरान पहने जाने वाले कपड़ों को दान कर दें। माना जाता है कि इससे माँ और बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, साथ ही कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।